कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हमीरपुर जिला प्रशासन ने कमर कसी है, तो अब परिवहन विभाग ने भी बसों के औचक निरीक्षण करके कोरोना पर काबू पाने के लिए काम किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने के लिए निजी सरकारी बसों में 50% सवारियों को बिठाने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों की पालना करवाने के लिए RTO के द्वारा औचक निरीक्षण कर बसों की चेकिंग की और बस चालक परिचालकों को नियमों को अपनाने के लिए सख्त हिदायतें भी दी गई हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए प्रशासन लगातार प्रयासरत है, जिसके मद्देनजर सरकारी व निजी बसों में 50% सवारी को बैठाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर RTO हमीरपुर ने हमीरपुर बस अड्डे का दौरा किया व बसों की चेकिंग की। इस दौरान बसों में 50% से अधिक सवारियों को बैठाने के लिए बस चालकों व परिचालकों के मौके पर ही चालान भी किए गए। RTO हमीरपुर वीरेंद्र शर्मा ने कहा कि सभी बस चालकों व परिचालकों को हिदायत दी गई है कि बसों में 50% से अधिक सवारियों को न बिठाया जाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने दौरे के दौरान पाया कि कुछ बसों में सवारियां 50% से अधिक हैं, जिनके मौके पर ही चालान किए गए। उन्होंने कहा कि सभी निजी बस ऑपरेटरों को आदेश दिए हैं कि वे बस चालकों व परिचालकों को मास्क पहनना सुनिश्चित करें और बसों में बिना मास्क किसी भी सवारी को न बिठाएं। उन्होंने कहा कि उन्होंने जब बस अड्डे का दौरा किया तो पाया कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं था। उन्होंने कहा कि अब लोग कोरोना के प्रति काफी जागरूक हो चुके हैं। ये कोरोना के कारण ये पहले भी 50% के ऊपर ही चल रही थी बसेज, और कुछ टाइम के लिए कैपेसिटी बढ़ी थी, लेकिन अब दोबारा से फिर 50% पे ये चल रही हैं। और इसकी हमने अभी कल भी चेकिंग की। वैसे तो बसेज जो हैं वो ज़्यादातर ड्राइवर कंडक्टर्स इन चीज़ को, इवन सवारियां भी समझती हैं, लेकिन कुछ एक जैसे लोग थे जहां पे हमें लगा कि नहीं ज़्यादा है, तो उनके हमने कल चालान भी किए, 4-5 बसेस के चालान भी किए। और ये डेली चेकिंग भी कर रही है, और अपनी तरफ से हमने पिछले 2 दिन से लगातार जितने भी प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स हैं उन सब तक ये मैसेज दे दिया है कि अपने ड्राइवर कंडक्टर्स को कहें कि वो प्रॉपर एक तो मास्क लगाएं, सैनिटाइजिंग का ध्यान रखें, और जो भी सवारी आ रही है वो भी अपने साथ मास्क लगाए, मास्क पहन के बैठे। अगर ऐसी कोई सवारी है तो उसे बस में ना बिठाएं। ये बड़ी स्पष्ट उनको हिदायत जो दी जा चुकी है। वो ऐसा है कि मैंने कल भी काफ़ी बसेस चेक की, मुझे कोई भी सवारी ऐसी नहीं आई जिसने मास्क नहीं पहना था। हो सकता है आपके ध्यान में ऐसे कुछ हो, लेकिन ऐसा कोई जनरलाइज नहीं। आप बाज़ार में जाएं, देखें, लोगों ने मास्क पहन रखे हैं, आपने स्वयं भी दोनों ने मास्क पहने हुए हैं। तो लोगों तक ये मैसेज है, हम ये नहीं कह सकते कि लोगों को कोरोना के बारे में और अपनी जान की सेफ्टी के बारे में चिंता नहीं है। फिर भी जो लोग ऐसा अगर आपके ध्यान में है, पर मुझे लगता है कि लोग इसके प्रति जो है वो काफ़ी संवेदनशील हैं। गौरतलब है कि लॉकडाउन के खुलने के बाद सरकार द्वारा बसों में 50% सवारी की क्षमता पर ही चलाने के आदेश दिए थे, लेकिन निजी बस ऑपरेटरों द्वारा इस निर्णय के विरोध के बाद सरकार द्वारा बसों को 100% सवारी बिठाने का निर्णय लिया गया था। लेकिन आए दिन बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए सरकार ने फिर से बसों को 50% सवारी को बैठाने के निर्देश दिए हैं, ताकि बसों में भी लोगों में पर्याप्त दूरी बनी रहे और वे कोरोना संक्रमण से बचे रहें।